वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, ओरिजिन ऑफ सॉइल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। सो ओरिजिन ऑफ सॉइल, तो बेसिकली सॉइल है क्या, सॉइल मटेरियल है क्या वैसे? तो सॉइल हिंदी में बोले तो मिट्टी, मिट्टी रेत आप बोलते हो जिसे। तो सॉइल कोई भी स्ट्रक्चर है, हमें क्यों पढ़ना है सॉइल को सिविल इंजीनियरिंग में, यदि कोई भी स्ट्रक्चर है आपका तो कहाँ पर ही एस्टेब्लिश होएगा, वो ऑब्वियसली सॉइल पे होगा। यदि पानी की बात कर रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज या हवा में बात कर रहे हैं कोई स्ट्रक्चर की तो अलग बात है, वरना एवरी स्ट्रक्चर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द सॉइल सरफेस। तो सॉइल की स्टडी को इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर है वो इसी के ऊपर ही खड़ा होएगा या फिर आपका इस्टेब्लिश होएगा। तो सोइल को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर, पहले तो कि भाई प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन सोइल मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं, ताकि हमारा टारगेट क्लियर रहे जब हम कोई भी कंसेप्ट पढ़े तो इजिली आइडेंटिफाई कर पाए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर में यदि ओरिजिन ऑफ सोइल से बात करें या फिर टाइप ऑफ ओरिजिन एंड टाइप ऑफ सोइल से, वी हैव बीन आस्क्ड फोर टाइप ऑफ क्वेश्चन। वी हैव बीन आस्क्ड फोर टाइप ऑफ क्वेश्चन। यूजली एक क्वेश्चन कभी 2 साल में 3 साल में पूछ लेते हैं, लेकिन मुश्किल से हाफ आवर का टॉपिक है, हाफ से 45 मिनट का टॉपिक है, तो आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए तो पढ़ना चाहिए। तो जैसे इसे पूछ लेते हैं आपको, लुईस क्या है, वट इज द टाइप, वट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लुईस, आपसे पूछ लेते हैं जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे हमारे पास एल्यूवियल सोइल किसे बोलते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, या फिर जो क्वेश्चंस जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पूछ ले जाते हैं बेस्ड ऑन दी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ऑफ सोइल। जैसे अयूलियन सोइल क्या है, अयूलियन सोइल क्या है हमारी, बेसिकली एक ही कैटेगरी में है वैसे क्वेश्चन, ये पूछ लेते हैं या ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी कौन सी है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स की। फिर खुद कभी कभार फिजिकल वेदरिंग से या फिर केमिकल वेदरिंग से एक क्वेश्चन बन जाता है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। तो यही 3-4 वेराइटी क्वेश्चन है, फोर्थ वेराइटी आपकी हो सकती है जैसे कुछ स्पेशल क्लेज है लाइक इंड्यूरेटेड क्ले क्या होती है, इंड्यूरेटेड क्ले क्या होती है, वैसे क्ले होती है हमारे पास क्विक क्ले, क्विक क्ले हम वैसे सीपेज थ्रू द सोयल में पढ़ेंगे, वो भी एक टाइप ऑफ क्ले है, कंडीशन नहीं होती क्विक क्ले, एक हम देखेंगे वो आगे जाके। तो इंड्यूरेटेड क्ले, ये 4-3 के क्वेश्चन पूछते हैं इससे। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट, सोयल बेसिकली है क्या, वट इज सोयल। सो यदि सोयल बात करें तो इंजीनियरिंग डेफिनेशन क्या होगी सोइल की, सोइल इज इट इज एन अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट का मतलब होता है खुला हुआ, जो चीजें खुली हुई है, मतलब कंसोलिडेट नहीं है, जो सीमेंटेड नहीं है, आप ये समझ सकते हैं। इट इज एन अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट made from disintegration of rocks। हमें जो soil provide मिलती है वो rocks के disintegration से मिलती है। तो ये हो गई एक engineering definition of soil। अब second thing है, तो जब हमारी जो सॉइल डिसइंटीग्रेट होती है, जब रॉक डिसइंटीग्रेट होती है, तो उसमें सॉइल में हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कोई रॉक है, इस रॉक से जब डिसइंटीग्रेट होएगी तो हमारे पास मिलेंगे सॉइल सॉलिड्स और उसमें वॉइड्स होंगे, सॉइल सॉलिड प्लस वॉइड्स। तो वॉइड्स बेसिकली जो एयर गैप है या फिर वाटर जो फील्ड है उसमें, तो वो टुगेदर इस पोर्शन को बोलेंगे हम सोइल।
इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, इफ देर इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सोयल, देन इफ देर इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल इन द रॉक, देन दैट इज ऑल्सो एडेड इन, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन सोयल। यदि बताएं सोयल को, सोयल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्टेंड फ्रॉम, सोयल इज ऑब्टेंड फ्रॉम रॉक्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर, इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम रॉक्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर। यदि कोई भी पार्ट आपके पास, यदि मान लिया है, यदि ये बोलते हैं इफ वी हैव ओनली रॉक इन द सोयल फॉर्मेशन, देन डू वी कॉल इट अ सोयल? यस वी कॉल इट अ सोयल। यदि इसमें कोई भी एक पार्ट भी है, यदि मान लिया ऑर्गेनिक मैटर ही है खाली, तो कंपोजिशन ओनली ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोयल। तो एक बात तो ये होगी। अब बात करते हैं सोयल मैकेनिक्स की, जो हमारा सब्जेक्ट है। सोयल मैकेनिक्स किसे बोलते हैं? सोयल मैकेनिक्स हमने पढ़ा है जब 10th 11th 12th में, जब हम अमेच्योर थे। मैकेनिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ फोर्सेस, हम उसे मैकेनिक्स बोलते हैं। तो सोयल मैकेनिक्स क्या होगा? स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन दी सोयल, जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सोयल के ऊपर, उनकी स्टडी को हम सोयल मैकेनिक्स बोल सकते हैं, इन जनरली, इन जनरल वे। तो सोयल मैकेनिक्स हमारी यहाँ पे एक डेफिनेशन क्लियर हो गई है। उसके बाद बात करते हैं सोयल इंजीनियरिंग की। वैसे टर्म सोयल मैकेनिक्स किसने दी है? कार्ल टरजागी ने सोयल मैकेनिक्स टर्म दी है इन 1925, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्ल टरजागी ने ये टर्म दी है। सोयल इंजीनियरिंग क्या होगी? सोयल इंजीनियरिंग होगी अब एप्लीकेशन ऑफ स्टडी ऑफ सोयल मैकेनिक्स। जो हमने सोयल मैकेनिक्स जो टॉपिक्स पढ़े हैं, जो हम 14 चैप्टर पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशन इन द फील्ड, उनकी स्टडी को बोलते हैं हम सोयल इंजीनियरिंग। अब यदि इसी को एडवांस करें, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग किसे बोलेंगे? तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हम सोयल इंजीनियरिंग प्लस रॉक मैकेनिक्स प्लस जियोलॉजी, ये तीनों चीज पढ़ते हैं। तो एक मच ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू सोयल इंजीनियरिंग, तो इसे बोलते हैं हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो बात करते हैं अब वेदरिंग ऑफ सोयल से, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेदरिंग ऑफ रॉक से मतलब कि रॉक से सोयल हमें कैसे मिलेगी, तो बात शुरू करते हैं वहां से टॉपिक। वेदरिंग ऑफ रॉक से, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वी हैव टू टाइप ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? वैसे वेदरिंग होता है आपका इरोजन ऑफ रॉक्स। देखो ये कोई मान लिया एक रॉक है, लेट दिस इज अवर रॉक सम, ये हमारी कोई रॉक है। अब इसके अंदर एज्यूम करते हैं वाटर फिल्ड है, जब क्रैक्स आती हैं रॉक के अंदर तो कुछ भी जा सकता है उसके अंदर। मान लिया इसके अंदर हमारा वाटर फिल्ड है, तो इस वाटर, ये जो वाटर है, ये प्रेशर अप्लाई करेगा रॉक की वॉल के ऊपर, रॉक की वॉल के ऊपर ये प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसके कारण टेंडेंसी होगी ये डिसइंटीग्रेट होने की, इसकी टेंडेंसी होगी, ये सेपरेट होने की टेंडेंसी होगी। तो उसी टेंडेंसी को इस, ये जो प्रोसेस है विच कॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, उसी को बोलते हैं वेदरिंग, उसी को बोलते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स में अब ये जो प्रोसेस है कैसे फॉरवर्ड होता है, तो ये कुछ एजेंसीज हैं जिसके कारण वेदरिंग हो सकती है। जैसे हमने एक एजेंसी देख ली, वोटर, मे बी इट मे बी ए वोटर। अब अदर्स है, जैसे एयर, एयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए एयर रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ग्लेशियर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, हम देखेंगे डिटेल में कैसे सोइल का डिसइंटीग्रेशन करते हैं। वैसे एयर हो गया, ग्लेशियर हो सकते हैं, फिर ग्रेविटी भी, इवन ग्रेविटी भी आपकी सोयल की वेदरिंग को इनिशिएट कर सकती है। तो दिस आर द वेदरिंग ऑफ द सोयल। अवर बेसिक पर्पज ऑफ दिस स्टडी इज टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग, दो तरह की वेदरिंग होती है। फर्स्ट वन इज फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल का क्या मतलब है? फिजिकल का मतलब क्या है यहाँ पे?
फैदरिंग विद द हेल्प ऑफ फिजिकल फोर्सेस इन द नेचर दैट इज लाइक एयर ग्रेविटी दीज आर द फिजिकल फोर्सेस और वाटर विच कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इज नोन एज फिजिकल वेदरिंग ऑफ द सोयल। तो फिजिकल वेदरिंग में जैसे एक एग्जाम्पल ये आप कंसिडर कर सकते हैं रॉक्स में, यदि लेट कंसिडर करते हैं रॉक्स में फ्रीजिंग एंड थोइंग, फ्रीजिंग एंड थोइंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। फ्रीजिंग एंड थोइंग क्या मतलब हुआ इसका, फ्रीजिंग एंड थोइंग का, ये रॉक है हमारे पास, मान लिया कोई आर्कटिक सर्कल पे रॉक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है टेम्परेचर बहुत माइनस में होता है, तो उस पोलर रीजन में हमारे पास जो दिन के टाइम है टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नाइट टाइम, नाइट में टेम्परेचर माइनस में होगा, तो नाइट में टाइम फ्रीजिंग होगी रॉक्स की। तो कोई रॉक है, यदि ये इस रॉक में वाटर था, अब ये वाटर फ्रीज हो जाएगा जिससे इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू दी वाटर, तो उस सिनेरियो में रॉक कभी श्रिंक होएगी कभी स्वेल होएगी, तो उससे क्या होगा एक फोर्स इनिशिएट होएगा, एक पोटेंशियल क्रिएट होएगा जिसके कारण ये रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो फ्रीजिंग एंड थोइंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल वेदरिंग की, मतलब कि हमने देखा ये वेदरिंग ऐसे होती है लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब ये कहाँ वैलिड है और दिस टाइप ऑफ सोइल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग से हमें मेनली यदि ये हमारे पास रॉक है तो इससे जो ये जो पार्टिकल्स हमें या फिर ये जो सोइल सॉलिड हमें ऑब्टेन हो गए दीज आर ऑफ कोर्स नेचर, दीज आर ऑफ कोर्स नेचर, ये हमारे कोर्स नेचर के होंगे, मतलब कि कोर्स सोयल कौन सी होती है, हमारे पास दो टाइप ऑफ सोयल होती है फाइन सोयल एंड द कोर्स सोयल। कोर्स सोयल में यदि देखेंगे तो हमारे पास ग्रेवल एंड सैंड दीज आर सेड टू बी एज कोर्स सोयल। इसके लिए वैसे साइज का क्राइटेरिया है, फोर साइज ग्रेटर देन 75 माइक्रोमीटर, 75 माइक्रोमीटर द सोइल इज सेड टू बी एज कोर्स सोइल। तो इसके डिसइंटीग्रेशन से कोर्स नेचर हमें दिखेगा और ग्रेवल और सैंड ऑब्टेंड होएगा, इनको बोलते हैं बल्की ग्रेन भी, इनको बोलते हैं बल्की ग्रेन भी। अब जो दूसरा इसका दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी हमारे पास वो है जो आपकी जो पेरेंट रॉक है, ये आपकी पेरेंट रॉक थी और जो आपके सोयल सॉलिड्स हैं उन लेट एज्यूम करते हैं इनका मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन ऑफ रॉक, लेट मिनरल कंपोजिशन ऑफ रॉक इज अवर X2Y10, ये मिनरल कंपोजिशन है रॉक का, तो इससे जो सोयल सॉलिड्स जो ऑब्टेन होंगे उनका मिनरल कंपोजिशन भी यही होगा, मतलब पेरेंट रॉक एंड द सोयल सॉलिड दैट ऑब्टेन फ्रॉम दी सेम रॉक हैज सेम मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, दे हैव सेम मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन। अब तीसरी जो इनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं तो ये अकेले रहना खुश करते हैं, खुश रहते हैं अकेले रह के, ये भी सिविल इंजीनियर की तरह अकेले होते हैं, सो दे आर सिंगल इन नेचर, मतलब सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है इनका, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, दे हैव सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर दैट्स देयर थर्ड प्रॉपर्टी। सो दीज आर दी थ्री मेन प्रॉपर्टीज फ्रॉम दी फॉर फिजिकल वेदरिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल वेदरिंग, आवर सेकेंड टाइप इज केमिकल वेदरिंग ऑफ सोयल, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होगा आपका, वी नो दैट द अर्थ सरफेस हैज बोथ एसिड्स एंड एल्कलीज, हमें पता है एसिड और एल्कली अर्थ सरफेस में अवेलेबल है, एसिड्स जैसे हमने
बचपन में या एमेच्योर से जब हम पढ़े हैं, हमारे पास एसिड्स जैसे H2SO4, HNO3, H2CO3, ये हमारे पास एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड भी बोलते हैं, ये अर्थ सरफेस में अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली एल्कलीज अवेलेबल होती हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, अदर एंड A2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्कलीज डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल होती हैं। तो जब एसिड्स और एल्कलीज वाटर में प्रेजेंट है, इफ दीज एसिड्स एंड एल्कलीज आर प्रेजेंट इन वाटर एंड दे इंटरेक्ट विद द रॉक्स, अब ये रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, कोई रॉक है ये, तो उसके साथ इंटरेक्ट करती है ये, अगर तो क्या इफेक्ट, क्या उससे क्या चीज चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली जब ये इंटरेक्ट करते हैं, तो ये जब कैन ये बेसिकली लीड करते हैं वेदरिंग प्रोसेस को, वेदरिंग प्रोसेस को, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस को, वो भी बिकॉज दीज आर केमिकल्स, दीज आर केमिकल्स, दैट्स व्हाई दे इनिशिएट्स द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इन द सिमिलर मैनर एज वी हैव सीन इन द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस ऑल्सो। सो एक केमिकल वेदरिंग करते हैं जिसके कारण हमें क्लेई स्ट्रक्चर मिलता है, क्लेई मिनरल्स ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम दी दिस रॉक, मतलब छोटे क्ले पार्टिकल्स मिलेंगे जिनका साइज लेस देन 2 माइक्रोमीटर होता है, देयर साइज इज लेस देन 2 माइक्रोमीटर एंड इन क्लेई बेसिकली एज वी हैव ऑलरेडी सीन इनकी जो प्रॉपर्टीज, जो हमने फिजिकल वेदरिंग में प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इनकी भी प्रॉपर्टी वैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे फिजिकल वेदरिंग में हमने पढ़ा था कि जो पेरेंट रॉक है उसकी सेम कंपोजिशन होती है इन बोथ फॉर रॉक्स एंड दी मिनरल्स, बट हेयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, जब ये रॉक के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसकी मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन चेंज कर देगी। तो पेरेंट रॉक हैज डिफरेंट मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, हैज डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन, हैज डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन ऑफ हैज डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन एज कंपेयर टू सोयल सॉलिड्स, एज कंपेयर टू सोयल सॉलिड्स, सो दे हैव डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन एज कंपेयर टू सोयल सॉलिड, दैट इज देयर फर्स्ट प्रॉपर्टीज। सेकेंड, यदि क्ले के बारे में थोड़ा बात करें, क्ले इज अ प्लेट स्ट्रक्चर, इसका प्लेट स्ट्रक्चर होता है, क्ले सॉयल का प्लेट स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे ये आप घर में जो प्लेट है आपके पास, जो घर में खाना खाते हो, जिसमें कुछ ऐसा समझ लो लेकिन रेक्टेंगुलर शेप प्लेट स्ट्रक्चर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्ले हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स सरफेस और पॉजिटिव चार्ज होता है इनके एजिस के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज होता है एजिस के ऊपर। तो बेसिकली ये एक क्ले स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन दी एजिस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन दी सरफेस ऑफ दी सॉयल। यदि इसमें आगे बात करें तो इनका हाई सरफेस एरिया होता है, एज वी ऑलरेडी सी क्ले हैज हाई सरफेस एरिया, तो फोर्सेस जो प्रीडोमिनेंट होती हैं क्ले के अंदर, तो सरफेस फोर्सेस प्रीडोमिनेंट होती हैं। हम ये भी बात बोल सकते हैं दे हैव हाई सरफेस एरिया टू मास रेशियो, सरफेस एरिया टू मास रेशियो या वॉल्यूम रेशियो डिवाइड बाय वॉल्यूम इज हाई फॉर क्ले क्ले सॉइल्स। देन इफ नाउ वी कंपेयर, यदि क्ले किसी दूसरे क्ले यदि वाटर से इंटरेक्ट भी करती हैं, तो क्योंकि क्ले एक चार्ज सरफेस है, चार्ज उसके मिनरल्स हैं, यदि ये वाटर से इंटरेक्ट करेगा, वाटर का फॉर्मूला H2O, यदि वाटर से इंटरेक्ट करेगा, वाटर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ पर इसके जो नेगेटिव नेगेटिव ऑक्सीजन जो चार्ज है वो इंटरेक्ट करेगा क्ले के एजिस के साथ, या फिर पॉजिटिव चार्ज जो इंटरेक्ट करेगा उसके सरफेस के साथ, मेनली पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्ट करता है सरफेस के साथ,
जिसके कारण वो उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्ले की वो चेंज कर देता है। जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी अब हमें मिलेगी क्ले की, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले विल चेंज, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्ले विल चेंज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ वाटर क्ले के साथ। उसकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जैसे शेयर स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन, दीज आर द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। बात करेंगे आगे, पहले ये देखो। तो ये क्ले की प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्ले की चेंज हो जाती है इससे। सो दिस इज मेनली ऑल अबाउट द केमिकल वेदरिंग ऑफ द सोयल। मुश्किल से एक दो क्वेश्चन पूछेंगे 2-3 साल में, लेकिन इससे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके। अब शुरू करते हैं रेजिडुअल सोयल्स, अगला टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेजिडुअल सोयल एंड ट्रांसपोर्टेड सोयल्स। रेजिडुअल सोयल एंड ट्रांसपोर्टेड सोयल। रेजिडुअल से मतलब क्या आ रहा है? रेजिडुअल का मतलब है द सोयल विच रिमेन एट द लोकेशन ऑफ इट्स रॉक। जैसे कि रेजिडुअल सोयल्स यदि बात करें, इट इज द रॉक विच आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोयल, एंड द फॉर्मेशन ऑफ सोयल इफ रिमेन्स, इफ दैट सोयल रिमेन्स एट द प्लेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इट्स रॉक देन दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल सोयल। सो डेफिनेशन यदि बात करें, सोयल लोकेटेड एट द प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, एट प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज नोन एज रेजिडुअल सोयल। वाइल ट्रांसपोर्टेड सोयल कैसी होती है? सिंपल है, इसके अपोजिट में होगी। द सोयल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी क्या है? एयर, वाटर, ग्रेविटी, ग्लेशियर, ग्लेशियर, ये सब एक्सटर्नल एजेंसी है। सो ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो होगी विच इज बींग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दी लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक। सोइल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दी लोकेशन, फ्रॉम दी लोकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ रॉक। जो सोयल ट्रांसपोर्ट हो जाएगी बाय नेचुरल वेज, सोयल ट्रांसपोर्टेड बाय नेचुरल वेज, द सोयल विच ट्रांसपोर्टेड बाय नेचुरल वेज फ्रॉम द लोकेशन ऑफ रॉक इज नोन एज ट्रांसपोर्टेड सोयल। सो हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सोयल। What are the different agencies which is responsible for transportation of this soil? तो हम वो सब अब देखेंगे। What are those different agencies? एक दूसरी बात, जो आपकी ट्रांसपोर्टेड सोयल है उनकी इंजीनियरिंग बिहेवियर थोड़ा, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज लेस होती हैं। रेजिडुअल सोयल हैज गुड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। इफ यू से इन अदर वर्ड्स, रेजिडुअल सोयल हैज गुड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज देन ट्रांसपोर्टेड सोयल। नोट में ये लिख लेना ये बात, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो सोयल की क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी सोयल क्लासिफाइड एज, जैसे फर्स्ट एल्यूवियल सोयल, पहली हमारी एल्यूवियल सोयल। एल्यूवियल सोयल कौन सी सोयल है? सोयल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। सोयल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इज नोन एज एल्यूवियल सोयल। ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इज नोन एज एल्यूवियल सोयल। सेकेंड टाइप ऑफ सोयल जो है हमारे पास, लैक्यूस्ट्रीन सोयल।
लेकुस्ट्रीन सोयल, ये किस तरह के सोयल है? सोयल ट्रांसपोर्टेड बाय, या फिर सोयल विच इज बीइंग डिपॉजिटेड बाय, सोयल डिपॉजिटेड बाय लेक, नेम में भी है इसका लेक्यूस्ट्रीन, तो याद रखना इसे, लेक्यू से लेक, लेक्यू मतलब लेक, तो सोयल दैट इज बीइंग डिपॉजिटेड बाय लेक्स इज नोन एज लेक्यूस्ट्रीन सोयल। मरीन सोयल, मरीन सोयल, सोयल डिपॉजिटेड बाय सी वॉटर, सोयल दैट इज डिपॉजिटेड बाय सी वॉटर इज कॉल्ड एज मरीन सोयल। यदि आप देखो ये तीनों ही सोयल वो सोयल है जो ट्रांसपोर्ट बाई वॉटर है, द सोयल विच इज बिंग ट्रांसपोर्टेड बाई वॉटर आर दिस सोयल। यदि आपकी कोई माउंटेन है, ये माउंटेन, यदि आप प्लेन्स की तरफ मूव करके जा रहे हो और फाइनली ओशियंस की तरफ, ये माउंटेन, यदि मैं तीन आपको तीन स्टेज में बताऊं, ये प्लेन्स और ये हमारा सी या ओशियन, तो जब सोयल, यदि यहाँ पे माउंटेन है ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ वॉटर, तो ये जो सोयल है ग्राउंड की तरफ ट्रांसफर होएगी, तो धीरे धीरे जो साइज ऑफ पार्टिकल्स हमें जो मिलेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ग्रेवल साइज के पार्टिकल हमें देखने को मिलेंगे जस्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ माउंटेन, उससे फर्दर डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो सैंडी पार्टिकल मिलेंगे, फर्दर मूवमेंट से सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल हमें डाउनस्ट्रीम की तरफ देखने को मिलेंगे। तो जो पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल होएगा, ये जो रॉक्स के जो फ्रेगमेंट्स थे, जो सोयल उसके इरोजन से जो सोयल यहाँ पर आएगी आपकी क्ले में, प्लेन्स में जो आएगी उसको बोलते हैं एल्यूवियल सोयल। लैगोस्टीन सोयल है द सोयल विच इज इन लेक, यदि यहाँ पर कोई लेक हमारा सोयल डाउनस्ट्रीम ऑफ द माउंटेनियस टेरेन, जो लेक है तो लेक में जो होता है स्टिल वॉटर होता है, रुका हुआ पानी, तो उस पानी में यदि कोई आपका सोयल का पार्ट आएगा उसमें जो डिपॉजिट होगा उसको बोलते हैं लैकुस्ट्रीन सोयल। सिमिलरली मरीन सोयल क्या होगा? द सोयल विच ट्रांसपोर्टेड अप टू सी लेवल, यहाँ पे आपके पास होता है, वैसे सी से पहले क्या आपको जैसे डेल्टा देखने को मिल सकता है, डेल्टा जिसे बोलते हैं, तो एट अप टू एंड तक यदि यहाँ पे आपको जो कोई सोयल मिलेगी उसको बोलते हैं मरीन सोयल। इसका एग्जाम्पल है, वैसे एग्जाम्पल इसका वार्क क्ले डिपोजिट, या फिर सॉरी मार्लेन, मार MARL, मार्ल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मरीन सोयल। ग्रीन ग्रीन कलर की सोयल रहती है जो सरफेस पे सेटल कर जाती है इन ओशियन, तो दैट इज मरीन सोयल। लैटिस ट्रीन सोयल का एग्जाम्पल है आपका वार्क क्ले डिपोजिट। वार्क क्ले डिपोजिट, वार्क क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि ये जो क्ले है और सिल्ट, इसमें बेसिकली दो चीज होती है, क्ले प्लस सिल्ट आपका जो उनका डिपोजिट है उसको बोलते हैं वार्क क्ले डिपोजिट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके जो फोर्थ मंथ है और नाइन्थ मंथ है हमारा, जो उसमें जो वॉटर है वो एक्सचेंज होता है, जो बॉटम वॉटर है वो सरफेस के ऊपर आता है और सरफेस वाटर बॉटम पे जाता है, तो क्ले के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट वेट होते हैं, तो लाइट वेट पार्टिकल्स अपर शिफ्ट हो जाएंगे ड्यू टू द रोटेशन ऑफ वाटर इन द फोर्थ मंथ, अप्रैल में जिसे कह सकते हैं हम, अप्रैल में, और तो उस मंथ में आपको वाटर चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा सोयल के क्ले पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे, सिल्टी पार्टिकल नीचे आ जाएंगे। सिमिलरली सिल्टी पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे नाइन्थ मंथ में और क्ले के नीचे पार्टिकल्स नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। बेसिकली ये इन दोनों का डिपोजिशन है, तो जिसे बोलते हैं हम वार्प क्ले डिपोजिट, तो पानी के ही रोटेशन से ये डिपोजिट क्रिएट होता है जिसे बोलते हैं वार्प क्ले डिपोजिट। तो ये बेसिकली तीन टाइप ऑफ, तीन जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज हैं वोटरी है, तो ये तीन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, तीन टाइप ऑफ सोयल्स हमने देख लिए हैं। अब बात करते हैं फोर टाइप ऑफ सॉइल विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय विंड, उन सॉइल्स को बोलते हैं हम एवियन सॉइल, फोर टाइप ऑफ उनको बोलते हैं एवियन सॉइल, सॉइल दैट इज बीइंग डिपॉजिटेड बाय, सॉइल डिपॉजिटेड बाय
सोयल दैट इज डिपोजिटेड बाय विंड इज नोन एज एवरियल सोयल। गैस करो, जैसे हम यदि डेजर्ट रीजन देखें, सैंड ड्यून्स जैसे देखें, वहां पर बहुत मूवमेंट होता है विंड्स का। जहां पर तेज हवा चलेगी, वहां से जो भी कोई रॉक्स है वहां पे, यदि उसका इरोजन होके ट्रांसपोर्ट हो जाएगी तो उसे बोलेंगे एवरियल सोयल। इसका एग्जाम्पल है जैसे लुइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं लुइस इज एग्जाम्पल ऑफ एवरियन सोयल। तो लुइस की प्रॉपर्टी क्या होगी, वैसे जनरल आइडिया करें तो दीज आर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोयल। जैसे सैंड ड्यून्स होते हैं आपके, उनकी यूनिफॉर्म ग्रेडेशन होती है, तो दीज आर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोयल, दीज आर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोयल। आई सेड यूनिफॉर्मली नॉट पुअरली, डिफरेंस होता है आगे देखेंगे यूनिफॉर्म में और पोअरली में, बट दीज आर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोयल। दूसरा जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, दे हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस ज्यादा हो सकती है क्योंकि एयर के जो चीज हवा उड़ा सकती है तो कंप्रेस भी ज्यादा हो सकती है, और इनकी डेंसिटी भी लो होती है, लो डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, दे हैव लो डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इनकी, इनका बेसिकली परमेबिलिटी कुछ चीज होती है, मैं बताऊंगा आगे। परमेबिलिटी वैसे होता है मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सोयल, जो सोयल का पानी का बहाव सोयल के अंदर जब मूव करती है उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकती है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। तो बेसिकली परमेबिलिटी इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। परमेबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये क्वेश्चन था आईएएस का प्रीवियस ईयर का, जिसमें तीन स्टेटमेंट गिवन थी, आपको चूज करना था राइट और रॉन्ग। तो ये तीन स्टेटमेंट ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा लुइस, याद रखना इसको। अब फिफ्थ टाइप ऑफ जो सोयल हम कह सकते हैं वो है ग्लेशियल सोयल। ग्लेशियल सोयल कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, सोचो। वैसे ग्लेशियल जो होते हैं, ग्लेशियर्स जो होते हैं, आइस के जो बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब पहाड़ बनता है तो जैसे सोयल रहेगी नीचे, जैसे फ्रीजिंग होगी जब बर्फ पड़ेगी तो सोयल वहां पे जो होगी उसके ऊपर बर्फ पड़ेगी, फिर फर्दर मूवमेंट ऑफ जब वो पहाड़ मूव करेगा पानी के ऊपर तो कुछ सोयल अपने साथ लेके मूव करेगा। तो उस सोयल को जब वो साथ लेके मूव करता है तो उस टाइप ऑफ सोयल को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट, जो उस चीज को बोलते हैं क्योंकि वो ड्रिफ्ट कर गई है ना अपने पोजीशन से, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। और इसी में एक सोयल जो, यदि कोई सोयल उस ग्लेशियर के मेल्ट होने से, अब जैसे वो ग्लेशियर दूसरी पोजिशन पर लोकेट हो गया, अब वहां पर जाकर मेल्ट हो जाता है, तो उससे जो सोयल ऑब्टेन होगी, जो सोयल ट्रैप थी ग्लेशियर के अंदर, उससे जो सोयल ऑब्टेन होगी उसे बोलते हैं टिल, उसे बोलते हैं टिल। यदि बात करें इसका, सोयल डिपोजिटेड बाय ग्लेशियर, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल विल बी ड्रिफ्ट एंड टिल, ड्रिफ्ट एंड टिल। सो लेट्स टॉक अबाउट सिक्स्थ। सिक्स्थ वी हैव कोलुवियल सोयल, कोलुवियल सोयल, सोयल दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, दोज आर कॉल्ड एज कोलुवियल सोयल, जो ग्रेविटी के, जैसे कोई माउंटेन हमारा, यदि कोई रॉक थी यहाँ पे, यदि ये रॉक ग्रेविटी की वजह से डाउन स्ट्रीम में आपकी चली जाती है और वहां पे जाके इरोड हो जाती है, तो इरोजन के कारण जो रॉक डाउन स्ट्रीम में पहुंच जाएगी तो उसे बोलते हैं कोलुवियल सोयल, सोयल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, ट्रांसपोर्टेड बाय सोयल दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी इज नोन एज कोलुवियल सोयल। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे इसी को बोल लो टलूज, टलूज एन एग्जांपल ऑफ कोलुवियल सोयल, तो ये भी याद रखना कोलुवियल सोयल किसे बोलते हैं। तो बेसिकली ये छह टाइप की हैं सोयल जो हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू
ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इनको। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। कुछ अलग तरह के सॉइल्स भी होती हैं। हेडिंग डालना, सम अदर टाइप्स ऑफ सॉइल, सम अदर टाइप्स ऑफ सॉइल, सम अदर टाइप्स ऑफ सॉइल। जैसे कि हमारे पास बेंटोनाइट एक सॉइल होती है, एक हमारे पास होती है ब्लैक कॉटन सॉइल, देन वी हैव सम ऑर्गेनिक सॉइल्स। ऑर्गेनिक सॉइल्स में हमारे पास पीट, मक एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल होती है। देखते हैं कि करके सम अदर सॉइल। पहले बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं लूमी सोयल के बारे में। लूमी सोयल के बारे में, लूमी नहीं, लूमी सोयल। लूमी सोयल किसे बोलते हैं? लूमी सोयल जो ये सोयल है, ये मिक्सचर होता है आपका सैंड का, सिल्ट का एंड क्ले का। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट एंड क्ले के मिक्सचर को लोमी सोयल बोलते हैं। इसमें ग्रेवल नहीं होता, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेवल को देखें। तो सैंड, सिल्ट एंड क्ले के मिक्सचर को लोमी सोयल बोलते हैं। जो आपकी गार्डन सोयल होती है ना, जो गार्डन की जो सोयल होती है, वो भी एक लोमी सोयल होती है, क्योंकि उसके अंदर वेल ग्रेडेड सोयल होती है, वो वेजिटेशन के लिए अच्छी सोयल होती है। तो लोमी सोयल को ही बोलते हैं हम गार्डन सोयल, इसी को बोलते हैं गार्डन सोयल। फिर दूसरी टाइप ऑफ सोयल की बात करें तो हमारे पास है ऑर्गेनिक सोयल्स। ऑर्गेनिक सोयल्स, ऑर्गेनिक सोयल्स कौन सी होंगी? जैसे कोई वेजिटेबल मैटर है, या फिर कोई भी हमारा, जैसे मान लिया डेड डिग्रेडेड मैटर है, तो वो सब ऑर्गेनिक मैटर होता है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जो, जैसे सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ग्रेवल, कोबल्स, बोल्डर्स, ये सब इनऑर्गेनिक सोयल्स हैं। जबकि ऑर्गेनिक सोयल्स वो सोयल होती हैं जो लिविंग बींग से, आपकी जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके डिकम्पोजिशन से जो सोयल बनती है, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक सोयल। तो यदि बात करें तो इनका प्रॉपर्टी एक की बात करते हैं, तो ये स्मेलिंग करते हैं, मतलब स्मेल आती है इनसे, और डार्क कलर की होती है, डार्क इन कलर एंड गिव्स बैड ऑडर। दे ऑल्सो गिव्स बैड ऑडर। सो बेसिकली ये दो प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सोयल हैं, जैसे पीट। पीट कैसी सोयल है? पीट है फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सोयल। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज अ टाइप, काइंड ऑफ पीट इज अ काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ सोयल? इट इज अ फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर सोयल। फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर सोयल, फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर सोयल, दैट इज नोन एज पीट। फिर एक हमारे पास मक भी होती है, MUCK। मक होती है आपके पास हाफ इनऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि मिक्सचर होता है ये इनऑर्गेनिक मैटर का और पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर का। तो ये मिक्सचर है इनऑर्गेनिक मैटर, पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास जो हम स्वाम्प्स होते हैं जो, या फिर जो हम अमेरिका में या कहीं पे स्वाम्प्स हमें देखने को मिलती हैं, स्वाम्प्स क्या होते हैं, बड़ी ग्रासेस होती हैं, जब वो डिकम्पोज होना शुरू होती हैं, तो वहां पर हमारे पास बहुत जो मिट्टी है वो तो इनऑर्गेनिक सॉइल हो जाएगी, और पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा आपका, वो जो स्वाम्प, वो जो ग्रास है या कहीं भी ग्रास का डिकम्पोजिशन जो होगा, उसको बोलते हैं हम, इन दोनों मिक्सचर को बोलेंगे मक्की सोयल, या मक सोयल या मक्की सोयल भी बोलते हैं इनको। अब बात करते हैं इसी में ही ह्यूमस के बारे में। ह्यूमस होती है टॉप लेयर ऑफ सोयल। जैसे आपका यदि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी एनिमल है, यदि डेड डिकेइंग है, जब वो मर जाता है, तो उसके मरने के बाद जब अटैक होता है पैरासाइट्स का, तो उससे जो ऑर्गेनिक जो सोयल बनती है, वो टॉप जो पोर्शन बनता है उसका, और प्लस में
हाफ डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, उन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। इट इज अ टॉप सोयल कंटेनिंग पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। सो ये एक डेफिनेशन याद रखना, वैसे ह्यूमस की डायरेक्टली डेफिनेशन याद रखो कि ये एक टॉप सरफेस सॉइल होती है जिसमें पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो ये एक ह्यूमस की बात होगी। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल। अब बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल की। अब बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल की, थर्ड जो हमारी। ब्लैक कॉटन सॉइल को ब्लैक क्यों बोलते हैं, पहले बात, पहले ही क्वेश्चन। तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्योंकि वो ब्लैक कलर की होती है इसलिए ब्लैक बोलते हैं। और कॉटन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉटन की वेजिटेशन ब्लैक कॉटन सॉइल में अच्छी होती है। यदि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ये हमें महाराष्ट्र रीजन में, कर्नाटक रीजन में मिलती है, तो वहां पे कॉटन की जो वेजिटेशन है काफी अच्छी वेजिटेशन भी है। तो थर्ड हमारी होगी ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसकी फीचर्स याद रखो कुछ, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल में जो क्ले मिनरल है एक हमारा मोंटमोरिलोनाइट, हम पढ़े भी ये डिफरेंट क्ले मिनरल्स, लेकिन क्ले मिनरल जो मोंटमोरिलोनाइट है वो एक्सेस में होता है इस सॉइल में। मोंटमोरिलोनाइट ये सॉइल के अंदर एक्सेस में होता है, तो इस काइंड ऑफ सॉइल में, तो इट हैज हाई कंटेंट ऑफ मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल्स। सेकेंड थिंग, इट हैज हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। इट हैज हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी, वो क्यों होती है, क्योंकि ये क्ले मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके कारण भी होती है हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। इट हैज हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी ब्लैक कॉटन सॉइल में। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये टू इसकी मेन प्रॉपर्टी है ब्लैक कॉटन सॉइल की। एक तो मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल, और सेकंड वन इज द इट हैज हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। फिर कुछ अब अदर टाइप ऑफ सॉइल्स देखते हैं, जैसे हमारे पास बेंटोनाइट सॉइल भी होती है एक। बेंटोनाइट सॉइल के अंदर भी मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल एक्सेस में होता है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, ये एक वाटर एब्जॉर्बिंग सोयल है। ये इसकी ये खासियत क्या है, ये एक वाटर एब्जॉर्बिंग सोयल है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस तरह की सोयल है। तो जब हम ड्रिलिंग करते हैं या फिर कोई भी एक्सकवेशन करते हैं ग्राउंड में, मान लीजिए कोई एक्सकवेशन करनी है ग्राउंड में, हमने कोई एच डेप्थ की एक्सकवेशन करते हैं, तो उसके जो साइड्स होती हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए मोंटमोरिलोनाइट, ये बेंटोनाइट हम यूज करते हैं, ताकि जो भी यदि वाटर टेबल यदि हो भी यहाँ पे, तो उस वाटर को ये एब्जॉर्ब कर ले, उस वाटर को ये एब्जॉर्ब कर ले। तो इट इज यूज्ड एज अ, ये यूज किया जाता है एज अ ड्रिलिंग मड की पर्पज से इसको यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज बेंटोनाइट सोयल। फिफ्थ टाइप ऑफ सोयल यदि बात करें, फिफ्थ टाइप ऑफ सोयल की, तो लेटराइट सोयल भी होती है हमारे पास। इंडिया में वैसे ब्रॉडली फाइव टाइप ऑफ सोयल हम देख सकते हैं, जैसे एक तो हमने देख लिया है ब्लैक कॉटन सोयल, एक लेटराइट सोयल भी होती है। लेटराइट सोयल किस तरह की सोयल होती है, लेटराइट सोयल होती है, इनकी खासियत क्या है कि ये जो यदि कोई स्लोप है, यदि लेटराइट सोयल में यदि कोई स्लोप आपका बनता है, तो ये अपने स्लोप को स्टेबल बना सकती है बिकॉज ऑफ द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। ये जो लेटराइट की जो सोयल बनेगी वो मिक्सचर होता है आयरन एंड एल्यूमिनियम का, जैसे हमारे अर्थ में हमें पता है SiAl, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से हमारा जो सरफेस बनता है, या फिर SiM में, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। बट लेटराइट सोयल जो बनती है वो
आपकी आयरन और एल्यूमिनियम से बनती है, जिसके कारण ये अपना स्लोप स्टेबल रखती हैं। दे हैव स्टेबल स्लोप, दे हैव स्टेबल स्लोप, दे हैव स्टेबल स्लोप इन केस ऑफ लेटराइट सोयल। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ सोयल, दीज आर सम ऑफ द टाइप ऑफ सोयल। अब एक डिफरेंट एक जैसे कि इंडुरेटेड क्ले होती है, एक हमारे पास क्या होती है, इंडुरेटेड क्ले। हेडिंग डालना इंडुरेटेड क्ले, इंडुरेटेड क्ले। इंडुरेटेड का मतलब क्या होता है, इंडुरेटेड का मतलब क्या होता है, हार्डनिंग और हार्डन्ड जिसे बोलते हैं। क्ले विच इज बींग हार्डन्ड उसको बोलते हैं इंड्यूरेटेड क्ले। इससे जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इंड्यूरेटेड क्ले यदि हम इसकी कांस्टेंट वेटिंग करते रहें, मतलब कोई इसको इसके ऊपर पानी डालते रहें, क्या ये सॉफ्ट हो सकती है? तो सर्च करना, वैसे इसका आंसर है इंड्यूरेटेड क्ले कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय द कांस्टेंट एडिंग ऑफ वाटर। तो इसकी यदि डिफाइन करेंगे इंड्यूरेटेड क्ले को, तो इंड्यूरेटेड क्ले इज द क्ले विच इज बींग हार्डन्ड, क्ले विच इज हार्डन्ड अंडर द, विच इज हार्डन्ड अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, विच इज बींग हार्डन्ड अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसको बोलते हैं इंड्यूरेटेड क्ले। Which is being hardened due to high temperature and pressure. एक होता है हमारे पास प्रोसेस लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन क्या होता है, लिथिफिकेशन होता है जैसे आपके अनकंसोलिडेटेड जो भी मटेरियल होता है, जो अनकंसोलिडेटेड सोइल डिपॉजिट होता है, मतलब कि आपके जो सोइल के पार्टिकल्स हैं, अलग अलग जो पार्टिकल्स जो होते हैं, यदि उनको कंबाइन कर दें तो उनके कंबिनेशन से जो प्रोसेस है, जो जिस प्रोसेस से वो कंबाइन होते हैं, उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ लूज अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स ऑफ सोयल, लूज अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट ऑफ सोयल, अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट ऑफ लूज अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट ऑफ सोयल। लिथिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट इनटू, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ लूज अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट ऑफ सोयल इनटू रॉक्स, इनटू हार्ड रॉक्स, और यू कैन से डायरेक्टली इनटू रॉक्स, उसको बोलते हैं हम लिथिफिकेशन। कैसे कैसे कंबाइन करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इनटू रॉक्स, बाय प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन की हेल्प से हम इनको कंबाइन करके रॉक बना सकते हैं, सोयल सॉलिड डिपॉजिट्स को। जैसे रॉक से हमें सोयल मिलती है, उसका जो रिवर्स है उसी को समझ लो लिथिफिकेशन बोलते हैं, मतलब कि सोयल से रॉक मिल जाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। सो बेसिकली ये है आपका ओरिजिन ऑफ सोयल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल।